टेस्ला फाइनली लॉन्च करने वाला अपनी कार्स इंडिया में, Amazon का टीवी आ चुका है बट राइट नाउ इट इज एक्सक्लूसिव ओनली टू इंडिया, PSI फाइनली इंडिया आने वाला है, Adobe Flash प्लेयर हो चुका है बंद। ये तो टू टेक न्यूज़ एंड ये है सब्जी की टेक न्यूज़। लेट्स स्टार्ट विद सम क्रेजी एंड ऑफिशियल न्यूज़। Elon Musk ने ट्विटर पे ऑलमोस्ट ऑफिशियल कर ही दिया है कि टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया इन 2021, जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल पूरी की पूरी बिल्ट गाड़ियां ही आएंगी बाहर से, और इंडिया में उनका असेंबली मैन्युफैक्चरिंग का प्लान फिलहाल तो नहीं है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ सेल्स में तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देंगे, विच माइट मीन चीपर कार्स फॉर अस, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। अभी इस टाइम पे फिलहाल वो लोग प्लान कर रहे हैं टू रिलीज द मॉडल 3 इन इंडिया, जो कि उनकी चीपेस्ट कार है, लेकिन फिर भी इंडिया में टैक्स वैक्स लगा के लगभग 55 लाख के आसपास आ जाएगी वो, जो कि महंगा है, बहुत महंगा है, बट या होपफुली बाद में जाके प्राइस कम हो जाए। लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि टेस्ला आ रही है यहाँ पे एंड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का नॉर्म हो जाएगा। ऑलरेडी थोड़ा बिल्ड हो रहा है यहाँ पे बट काफी टाइम लगेगा तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। ऑल्सो एक और बहुत बहुत एक्साइटिंग न्यूज, टेस्ला आ रहा है इंडिया में, साथ साथ प्ले स्टेशन ने भी फाइनली 1 जनवरी को अनाउंस कर दिया कि PS5 आने वाला है इंडिया में ऑफिशियली। आपको पता होगा कि ऐसे तो मिल ही जा रहे हैं हर जगह बट विदाउट वारंटी है, मुझे कोई गारंटी नहीं पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट 1 जनवरी को अनाउंस किया कि 2 फरवरी को रिलीज होने वाला है PlayStation 5 इन इंडिया इन रिटेल स्टोर्स एंड ऑनलाइन, जैसे रिलायंस डिजिटल, Amazon, Flipkart और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, उनकी साइट पर जाकर देख लो। एंड ऑल्सो प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे इन ही स्टोर्स पे फ्रॉम 12th of January। तो मैं तो बोलता हूँ जितना हाइप बना हुआ PS5 के अराउंड, प्लीज जाके अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यहाँ पे ऑडियंस साइड से भर दो, अपना एड्रेस सेव कर दो, जैसे आएगा चेकआउट पे दबा देना, बिकॉज स्टॉक्स बहुत थोड़े होने वाले इंडिया में और जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। वी ट्राई एंड सिक्योर वन तक की ऑब्वियसली यहाँ पे रिव्यू करें, बट या लेट्स सी। तो बहुत सारे रूमर्स घूम रहे हैं आजकल अबाउट द सैमसंग गैलेक्सी S21 लाइनअप, हमने भी काफी WTNs में बात की है उसके बारे में, सारे लीक्स फोटोज वगैरह आपको दिखाए हैं, लेकिन अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि 14th of January को होने वाला है लॉन्च फोन। बहुत सारे रीजन्स में प्री ऑर्डर्स स्टार्ट भी हो चुके हैं फ्रॉम सैमसंग। प्री ऑर्डर बुक करने के लिए यू डोंट हैव टू पे अ रिजर्वेशन फी अभी तक, मतलब जितने एरियाज में हुआ है, बट इफ यू प्री ऑर्डर $50 ऑफ मिल रहा है ऑन एक्सेसरीज अगर आप प्री ऑर्डर के बाद खरीदते हो फोन तो, विच इज अ प्रीटी गुड डील। काफी अजीब प्री ऑर्डर क्योंकि फोन भी नहीं दिखाया मुझे, इसलिए चार्ज नहीं कर सकती। एंड उनके सैमसंग कनाडा के वेबसाइट पे गैलेक्सी बड्स प्रो नाम भी ऑफिशियल हो चुका है। ओके सो या Samsung actually होने वाला था शायद से फर्स्ट फोन टू यूज Snapdragon 888, बट Xiaomi ने अपना 28th December को अनाउंस करके 1st January को रिलीज कर दिया अपना Xiaomi Mi 11 एंड इट्स द फर्स्ट फोन टू शिप विद Snapdragon 888, और फर्स्ट डे पे सेल होती है 5 मिनट्स के अंदर दे सोल्ड 350,000 यूनिट, मतलब 3.5 लाख यूनिट उन लोगों ने पेज दी बस। तो एक्चुअली फोन अच्छा भी लग रहा है, बाकी Snapdragon 888 तो है ही उसमें जो काफी पावरफुल, आई थिंक 25% इंक्रीज इन CPU एंड 35 GB हमने बात की थी लास्ट टाइम इसकी, साथ में 120Hz 2K डिस्प्ले, 108MP कैमरा और बाकी तो अपना रैम स्टोरेज जो भी नॉर्मल है, और 55W फास्ट चार्जिंग एंड 50W वायरलेस चार्जिंग। व्हाट 50W वायरलेस चार्जिंग क्या होता है भाई यहाँ पे? 12 मिनी में 12 अच्छी से किया तो फिर ये लोग वैसे इनोवेट काफी करते रहते हैं। एक्चुअली बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ हफ्ते पहले WTN में ही हमने कहा था कि सैमसंग के स्मार्ट टैग्स आने वाले हैं एंड अभी कुछ दिन पहले उसके फोटोज लीक हो चुके हैं ट्विटर पे, तो एक छोटा सा स्क्वायर के शेप में है उसपे पीछे सैमसंग स्मार्ट टैग लिखा हुआ है एंड एक कीचेन होल है ऑन द टॉप व्हिच इज वेरी गुड टू सी। एक US में कंपनी है टाइल जो कि ऐसे स्मार्ट टैग्स बनाते हैं, तो आप उसको कहीं पे लटका सकते हैं अंदर कीचेन नीचे डाल के कुछ घुसा के उसमें। तो एक चीज इसकी खास है कि इसमें रिप्लेसेबल बैटरीज भी हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर ऐसे मतलब छोटे जो चीजों में बैटरी अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो दे आर जस्ट यूज इट थ्रो, लेकिन अगर रिप्लेसेबल बैटरी है तो यू कैन यूज इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी गुड थिंग। और साथ साथ बहुत ही सैड न्यूज दिस वीक, Adobe Flash Player हो चुका है डिसकंटिन्यू एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग 90s किड्स या 2000 किड्स आपको पता होगा कि कितनी ज्यादा गेम्स होती थी उसमें, मैं थोड़ी उसकी बात में बात करूंगा।
बट ओडोबी ने अनाउंस किया था 2015 में कि दे विल स्टार्ट फेजिंग आउट फ्लैश ड्राइव धीरे धीरे, एंड 2015 से वो बोल रहे हैं सारी साइट्स को HTML5 में चेंज कर लो अपनी सारे फ्लैश सपोर्ट के लिए. एंड ऑल्सो 2017 में उन्होंने अनाउंस किया था कि 3 साल में डिसकंटिन्यू हो जाएगा. 31 दिसंबर को डिसकंटिन्यू हो गया एंड 12 जनवरी को ऑफिशियली सारे सर्वर्स बंद हो जाएंगे. अभी ऑलरेडी सपोर्ट बंद हो चुका है एंड मेजर ब्राउज़र्स ने निकाल दिया उसको. 12 में तो सब कुछ निकल जाएगा. तो अगर आपको याद है मिनी क्लिप गेम्स आई थिंक cartoonnetworkindia.com और फेसबुक पे जो जिंगल गेम फार्मविल सिटी विल, ये सब तो ये सब सब कुछ अभी बंद होने वाला है. फार्मविल ने ऑफिशियली एक्चुअली 31st के आसपास उन्होंने एक बड़ा सा पोस्ट डाला था अबाउट हाउ ग्रेटफुल दे आर कि सब लोग खेल रहे हैं. वो काफी एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है हमारे बचपन में सारी एक तरीके से हमारा बचपन है वो नॉस्टैल्जिया काफी है. हमारा स्कूल से बाद वापस आके होता था यार ग्रेप्स हार्वेस्ट करने और उसके भी पहले वगैरह सीधा घर पे आके cartoonnetworkindia.com पे तो जाना ही जाना है फ्लैश गेम्स खेलने के लिए. बट यार ये सब नहीं होने वाला. तो पास्ट में Amazon ने काफी टीवी OEMs के साथ पार्टनर किया है टू ब्रिंग देयर फायर सर्विसेज डायरेक्टली टू द टीवीज. बट अभी उन्होंने रिसेंटली खुद के टीवीज लॉन्च कर दिए हैं अंडर द ब्रांड ऑफ Amazon Basics. मतलब आपको केबल वेबल दिख गए होंगे Amazon के वेबसाइट पे, उसी के अंडर उनके टीवीज आ रहे हैं. दो मॉडल निकाले हैं, दोनों आर 4K LED टीवीज, HDR10 सपोर्ट करते हैं एंड Dolby Vision सपोर्ट करते हैं. तो प्रीटी गुड प्राइस है 50 इंच के टीवी के लिए 29,999 एंड 55 इंच के टीवी के लिए 34,999. प्रीटी प्रीटी गुड. एंड अभी के लिए दे आर ओनली एक्सक्लूसिव टू इंडिया. ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है आई गेस. दूसरे में किसी को नहीं मिल रहा. बट प्रीटी गुड यार, प्राइस बहुत अच्छी है, स्पेक्स भी मोर बेटर देन एवरेज. हमने अभी तक डिस्प्लेस देखी नहीं है. हां तो ऑफ कोर्स वो देख के पता चलेगा. बट ऑनेस्टली जस्ट स्पेक्स के हिसाब से तो काफी अच्छा है. तो लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था जब AMD एंड NVIDIA ने अपनी CPUs, GPUs जो भी उन्होंने लेटेस्ट वाले निकाले थे. AMD ने Ryzen 5000 सीरीज वाले, AMD ने RTX 3000 वाले. एंड ये सब पार्ट आता है सबसे पहले PC के लिए एंड देन इवेंचुअली टाइम लगता थोड़ा लैपटॉप्स के आने के लिए बिकॉज उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है पूरा मशीन बनाने के लिए. तो फाइनली एक लैपटॉप हमको अभी रिसेंटली दिखा ऑन अ चाइनीज वेबसाइट जो है Zephyrus G15. एंड लास्ट ईयर का एक्चुअली जो Zephyrus G14 था वाज वन ऑफ माय फेवरेट लैपटॉप्स बिकॉज पीछे का डिजाइन इनसेन था, वो लाइट्स वाला प्लस गुड CPU GPU दोनों ने डाला हुआ था एंड विद दैट थिन डिजाइन एंड लाइक 11 आवर्स की बैटरी लाइफ, ये सब लाना एक लैपटॉप में बहुत मुश्किल होता है. तो अगर ये कुछ सिमिलर कर सकते हैं इसमें वो भी इनसेन रहेगा. आई थिंक Ryzen 5800HS यूज करने वाले, विच इज बहुत ज्यादा इनसेन प्रोसेसर है वो एक तो, एंड ऊपर से आती है 3080. तो फिर मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी गेमिंग जो आपको चाहिए उसमें हो जाएगा. लास्ट ईयर के मॉडल्स में आई थिंक 1080p 144 का ऑप्शन था, नहीं तो फिर 2K 60 का. उसे फिर इस बार 2K 120 आ जाइए समथिंग, पता नहीं क्या निकालेंगे. बट एटलीस्ट हमको स्टार्टिंग में देख रहे हैं. अभी काफ़ी टाइम से अंडर डिस्प्ले कैमराज की बात चल रही है लेकिन अभी तक कोई उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया. हेंस नॉच और पंच होल कैमराज देखते हैं आजकल फ़ोन पे. लेकिन अभी रिसेंटली सैमसंग ने एक चीज़ ऐसी पेटेंट की है जो शायद इसका सोल्यूशन हो सकती है. तो उन्होंने स्लाइडिंग सब डिस्प्ले कैमरा कुछ तो ये किया है, पेटेंट करवाया है. तो मतलब डिस्प्ले और कैमरा के बीच में एक मूविंग पार्ट होगा जो जब कैमरा यूज नहीं कर रहे होगे वो ऐसे स्लाइड इन हो जाएगा एंड इट विल बिकम द डिस्प्ले. तो लाइक आई डोंट नो ये फोन को कितना मोटा बनाएगा या एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये, बट उन्होंने पेटेंट किया है. इट इज ऑफकोर्स एक्साइटिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इट, इट विल बी एक्साइटिंग. देखते हैं. वी पर्सनली डोंट थिंक कि फ्लैगशिप पे वो लोग निकालेंगे, पहले कहीं और छोटे मॉडल्स में करके देखेंगे. बट पता नहीं छोटे मॉडल्स में आएगा कब आएगा. वही if it comes if. तो लास्ट इज द डे हमने काफी बात की थी OnePlus Watch की आई थिंक लास्ट वीक. एंड OnePlus Watch इज वेयर people wanted to get into the wearable market. बट हम लोग और रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि उन लोगों ने एक OnePlus Band पे भी काम किया है व्हिच आई गेस इज इजीियर टू डेवलप बिकॉज इतनी सारी चीजें नहीं होती उसमें. एंड तो ये आ रहा है प्रॉब्ली एट CES जो जनवरी 11 से स्टार्ट हो रहा है. एंड OnePlus Watch लॉन्च होगी बैक आफ्टर जो मार्च में आई थिंक OnePlus का इवेंट होता है जब OnePlus 9 लॉन्च होता है. तो ये माइट बी द फर्स्ट थिंग जब OnePlus गेट्स इनटू इन द अवेलेबल मार्केट. वो लोग ऑलरेडी टीवीज में आ चुके हैं, फोन वायरलेस ईयरबड्स आ गए हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं. तो ये भी काफी कूल है. आई थिंक मेरे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अराउंड 3000 रुपीस का आएगा. तो इन द सिमिलर प्राइस ब्रैकेट ऑफ मी बैंड, होनर बैंड, गैलेक्सी बैंड, गैलेक्सी फिट एंड हमारी
रिव्यू वाली वीडियो भी आएगी. सो या लुक फॉरवर्ड टू दैट. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ बिग लाइक बटन, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो और घंटा बजा दो. अगर आपको कोई भी कमेंट्स अगर आपको कोई भी कमेंट्स या कोई भी बात करनी है हमको तो नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं. नहीं तो यू कैन राइट टू अस ऑन द टू टेक टूल्स ऑन ट्विटर एंड आल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. अगर आपको ब्लूपर्स देखने हैं और अनाउंसमेंट देखने की वीडियो बाहर आ गई है, आल्सो या यू कैन चेक आउट आवर पर्सनल चैनल्स डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. ये ब्लॉग्स बनाते हैं मैं कभी ना कभी, तो गेमिंग वीडियो डालूंगा. हम लोग निकल रहे हैं. पीस.